पीपुल स्टार्ट थिंकिंग यू वेन एवर दे स्टक समथिंग, और वो आपसे एक सोल्यूशन या गाइडेंस की एक्सपेक्टेशन करते हैं। सो इसके लिए हम लोग को सर्टिफिकेट करना चाहिए, और मेरे साथ जरमीन शेख हैं जिन्होंने रिसेंटली सर्टिफिकेट इन साइबर सिक्योरिटी CC सर्टिफिकेट क्लियर किया है 30th of May को, और आज हम लोग बैठे हैं 7th of June को, मतलब ये केवल 6 से 7 दिन पुरानी बात है। सो मेरे मन में आया कि क्यों ना एक बार इनसे इनका एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर किया जाए। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जरमीन से कि प्लीज़ अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चंस के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जरमीन शेख है। करंटली मैं IBM की एम्प्लॉय हूँ, एंड आई एम हियर वर्किंग एज सिक्योरिटी डिलीवरी स्पेशलिस्ट हैंडलिंग मल्टीपल साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज। सो इट इज़ वेरी मच एफिशिएंट फॉर मी टू गो विथ सर्टिफाइड इन साइबर सिक्योरिटी, विच विल गिव मी कॉन्फिडेंट इन क्लियरिंग द बेसिक्स टेक्निकल नॉलेज ऑफ द साइबर सिक्योरिटी। ओके, सो जरमीन, सबसे पहला क्वेश्चन, आपके मन में सर्टिफिकेट इन साइबर सिक्योरिटी CC ही क्यों आया? बहुत से सर्टिफिकेट हैं, CISM है, CDPA, CISSP है, वाई CC? आपने CISSP क्यों नहीं किया पहले? जैसे कि मेरा फर्स्ट सेंटेंस था, मुझे मेरा बेसिक्स क्लियर करना था। बेसिक्स क्यों क्लियर करना था? अगर सपोज कोई इंसान 10+ एक्सपीरियंस का है, वो सबसे पहले अगर कोई चीज़ ट्रबल शूट करनी है या कोई चीज़ समझनी है, और अगर आप प्रोसेस वाइज बेसिक फॉर एग्जाम्पल A से स्टार्ट करते हो, तो आपको समझ में आ जाएगी कि इस इश्यू का, इस प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है। तो हर चीज़ का बेसिक से जाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। CC इज वन ऑफ द सर्टिफिकेशन विच विल हेल्प यू कॉन्कर एंड गिव यू कॉन्फिडेंस ऑन हाउ गुड योर बेसिक्स आर। यू कैन रीवैलिडेट योर सेल्फ, एंड इफ यू फाउंड समथिंग लैगिंग, यू कैन क्लियर योर बेसिक्स। सो CC इज वन ऑफ दोज सर्टिफिकेशन। अच्छा, आपने CC से पहले कोई और साइबर सिक्योरिटी का सर्टिफिकेट भी किया था क्या? मैंने वेंडर स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन किए, फॉर एग्जाम्पल फ्यू ऑफ द साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी विच इज प्रॉक्सी एंड डेटा सिक्योरिटी एंड DLP काइंड ऑफ, बट ऐसे ग्लोबल सर्टिफिकेशन में CC इज माई फर्स्ट। ओके, सो जब आपने CC का सर्टिफिकेट देना है ये डिसाइड कर लिया, फिर आपका शेड्यूल क्या था, आपका प्लान आपने कैसे बनाया, और कितने दिनों में आपने सर्टिफिकेट का पूरा तैयारी कर लिया था, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले तो मैंने सिलेबस जानने की कोशिश की थी कि CC में कौन से डोमेन्स है जिस पे मुझे ध्यान देना है। मैंने वो डोमेन्स को इवैल्यूएट किए थे कि वो डोमेन्स में मुझे कितनी पढ़ाई करनी है। उस हिसाब से मैंने जैसे कि मेरा ऐसा प्लान था कि मैंने पूरा 1 मंथ का गैप लिया था बिटवीन फॉर माई ट्रेनिंग एंड देन टू गिव द एग्जाम। तो वो 1 मंथ ऐसा था कि 20 डेज में मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर दूंगी, और प्लस 10 मैंने एक्स्ट्रा रखा था, क्योंकि यू नेवर नो व्हेन योर प्लान गेट्स ड्रॉप्ड और व्हेन यू आर एबल टू एग्जीक्यूट द प्लान। सो फॉर एग्जांपल अगर आप सोच रहे हो कि ये सैटरडे संडे तो मैं इतना डोमेन कंप्लीट कर ही दूंगा, बट यू नेवर नो, अगर कोई अर्जेंसी आपके पास आ जाती है तो वो सैटरडे संडे आपका उतना पोर्शन नहीं कंप्लीट हो पाएगा। इसलिए हमेशा मैंने थोड़ा सा प्लस 10 में ही मैं गई थी, और ये गाइडेंस दिया गया था मिस्टर शैलेंद्र से ही कि हमेशा थोड़ा लेवल आगे की सोचो। आप रीस्केड्यूल कर सकते हो एग्जाम, अपना एग्जाम प्रीपोन भी कर सकते हो, बट ऐसा मत कीजिए कि आपको पोस्टपोन करना पड़े। ओके, सो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे अपना डिस्कशन मेरा ऐसा हुआ था दरमीन के साथ कि हम लोग जब एग्ज़ाम बुक कर देते ना, देन इट विल शो द सिंसियरिटी और सीरियसनेस टुवर्ड द एग्ज़ाम। सो आई रिक्वेस्टेड कि जब कभी भी आप किसी साइबर सिक्योरिटी किसी भी सर्टिफिकेट की तैयारी करें, सो आफ्टर सम टाइम जब आपको लगे कि आपका प्लान एग्जीक्यूशन होना शुरू हो रहा है और यू आर एक्चुअली ट्रैकिंग द थिंग्स वेरी इन ए गुड वे, तो आई रिकमेंड कि आप एग्ज़ाम बुक कर दीजिए। सो दैट विल हेल्प यू टू कीप फोकस्ड ऑन योर प्लान, ठीक है? तो दैट्स वाई आई हैव रिक्वेस्टेड जमीन कि एग्ज़ाम बुक कर दो, सो दैट अगर आगे कभी इनकेस अगर शेड्यूल मैच नहीं होता है तो वी हैव ऑलवेज अपॉर्चुनिटी टू पोस्टपोन द एग्ज़ाम, बट कोशिश करनी चाहिए कि वो कभी ना हो। सो जरमी, मेरा अगला क्वेश्चन ये कि आपने मटेरियल कौन कौन से यूज़ किया और कहाँ कहाँ से आपने पढ़ाई करी? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने IC² की ट्रेनिंग ली थी CC के लिए, जो उनकी खुद की ट्रेनिंग है। बट देन माई गोल वॉज नॉट ओनली टू क्लियर द CC एग्जाम, बट माई गोल वॉज टू क्लियर माई बेसिक्स। सो बेसिक्स क्लियर करने के लिए मुझे जो तैयारी करनी थी वो CC से ज्यादा की करनी थी।
तो इस वजह से मैंने कुछ यूडेमी ट्यूटोरियल्स देखे. फॉर एग्जांपल मैंने टीचर थॉर पेटरसन का वीडियो देखा विच वॉज वेरी माइंड ब्लोइंग टू कॉन्कर ऑल द डोमेन्स, और वो थोड़ा नेक्स्ट लेवल की तैयारी कराते हैं. उसके अलावा मैंने खुद की सेल्फ स्टडी की विद रिस्पेक्ट टू फ्यू ऑफ द सिलेबस दैट यू हैव इन सीसी. फॉर एग्जांपल एक्सेस कंट्रोल्स हो गया, सिक्योरिटी ऑपरेशंस हो गए, नेटवर्क सिक्योरिटी हो गई. फिर मैंने कुछ प्रैक्टिस एग्जाम्स डाउनलोड किए यूडेमी से विच रियली हेल्प मी टू गेट माई एग्जाम इन अ वेरी ईजी वे, बिकॉज वो जो प्रैक्टिस एग्जाम्स के क्वेश्चंस थे वो बेसिक से बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा एडवांस थे. तो वहाँ पर मुझे क्लियरिटी आ गई कि अगर ये थोड़ा एडवांस लेवल का एग्जाम भी मैं अगर मैं क्लियर कर पा रही हूँ तो नेक्स्ट डे जब मैं एग्जाम के लिए जाऊँगी तो वो तो मैं इससे बहुत ही ईजी परसेंटेज में क्लियर कर पाऊँगी. ओके, सो बेसिकली उडमी के क्वेश्चंस, थॉट पीटरसन के वीडियोस और जो आईएससी स्क्वायर के जो वीडियोस थे फॉर प्रिपेयरिंग ऑफ सीसी वो आपने रेफर किया, राइट? लगभग कितने क्वेश्चंस लगा लिए होंगे बिफोर प्रिपेयरिंग, बिफोर ऑप्टिंग, बिफोर अटेम्प्टिंग दिस एग्जाम? लगभग लगभग काउंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इट कुड बी मोर देन 600, लगभग 600-700 क्वेश्चन आपने लगाए थे. देन यू फाइंड योर सेल्फ कि अभी मैं एग्जाम दे सकती हूँ. ठीक है, अभी एग्जाम दे सकते हैं, ये आपने कैसे डिसाइड किया? मतलब आपने 30th of May 2023 को आपने एग्जाम दिया, सो वाई 30, वाई नॉट 31 और वाई नॉट 28th of May? 30 डेट कैसे फाइनल करी? मैंने जो डेट फाइनल की थी वो एग्जाम के 1 month पहले ही फाइनल कर दी थी, और मैंने जो प्लान बनाया था वो पूरे 20 days का बनाया था. ओके, और मैं उसके ऊपर +10 जा रही थी फॉर अदर रिविजन. ओके, तो मैं पहले से ही कॉन्फिडेंट थी कि अगर मैंने 30th May का एग्जाम रखा है तो मेरे इस प्लान के अकॉर्डिंग, और बाकी अगर सपोज आपकी कोई अर्जेंसी का भी आ जाती है और 2-3 दिन आप और ऊपर नीचे हो जाते हो तो एट दी फाइनल मैं 30th May के लिए तो प्रिपेयर हो ही जाऊंगी. ओके, सो हम लोगों ने अब तक समझा एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करना है, मटेरियल कौन सा यूज़ करना है, प्लान शेड्यूल भी इन्होंने बताया, डेट कैसे फाइनल करी वो भी बताया. अब मेरे को थोड़ा सा अपना शेड्यूल के बारे में बता दीजिए कि आप कब पढ़ाई करते थे. सुबह 4 बजे से पढ़ाई करते थे, शाम को रात में 2 बजे तक पढ़ाई करते थे, कैसे पढ़ते थे उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए. मैं मोस्टली रात का टाइम प्रीफर करती हूँ ऑफिस से जाने के बाद. ऑफिस से जाने के बाद मैंने डेली का अलार्म लगा दिया था खुद का. ओके, कि 11:15 से मुझे रात में पढ़ाई स्टार्ट करनी है. जब आप डिनर कर लेते हो, आप थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हो, बॉडी प्रिपेयर हो जाती है, तो 11:15 का मैंने डेली का अलार्म लगा दिया था टाइम टू लर्न करके, और मुझे उसके आधे घंटे पहले ही नोटिफिकेशन आ जाती थी 10:45 PM को कि आपका 11:15 का टाइम टू लर्न का अलार्म बचने वाला है. तो मैं उस आधे घंटे में अपनी बाकी सारी तैयारी, बाकी सारे काम निपटा देती थी ताकि एग्जैक्ट 11:15 को मैं अपना लैपटॉप ओपन करके बैठ जाऊं पढ़ाई करने के लिए. और वो मेरा अलार्म था 1:30 तक का, मतलब 1:30 तक तो एटलीस्ट मुझे पढ़ाई करनी है. ओके, और मोर देन द टाइम एफिशिएंट मैं कोशिश करती थी कि मैं डोमेन वाइज अपने पोर्शंस क्लियर करूं. जैसे कि अगर आज मैं 2 घंटा पढ़ रही हूँ तो मैं कोशिश करूंगी कि ये 2 घंटे में मैं ज्यादा से ज्यादा एक्सेस कंट्रोल्स के टॉपिक्स क्लियर करूं. ओके, तो मैं टॉपिक वाइज ज्यादा ध्यान दे रही थी. तो बेसिकली 11:15 से लेकर के लगभग 2 घंटा आप डेली पढ़ाई करते, रेगुलर मैं पढ़ाई करने की पूरी कोशिश करती थी, बट कभी अगर कुछ लैग हो जाती है इस वजह से मैंने वो बफर आपका जो बफर डेज था बफर ले लिया, वो बफर डेज यानी भी आपके लिए हेल्पफुल था, वो हेल्पफुल रहा मेरे लिए. ठीक है, तो अभी हम लोग आ गए 30th of May. अब 30th of May को अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि उस दिन आपका क्या क्या दिमाग में थॉट्स आ रहे थे, एग्जाम के जब सेंटर के अंदर गए तो कैसे थॉट्स थे, और कितना कॉन्फिडेंस आपको उस दिन था कि मैं एग्जाम पास कर पाऊंगी? मैं इसमें प्लान बताना चाहूंगी +1 डे से. मैं 1 दिन पहले का प्लान बताऊंगी अपना, डे माइनस वन. मैंने 29th March को शाम से मेरी पढ़ाई स्टॉप कर दी थी. ओके, और डेड स्टॉप, कुछ भी नहीं पढ़ना, स्टॉप कर दिया था. अच्छा, कुछ नहीं पढ़ना. क्यों? क्योंकि मुझे मेरा माइंड सैचुरेट नहीं करना था. क्या होता है ना, आप एग्जाम देने जाते हो, आप सोच रहे हो कि मुझे ये सीसी एग्जाम क्लियर करना है, बट जहाँ पर मैं बता रही हूँ कि मेरा जो गोल था मुझे बेसिक्स क्लियर करने थे, तो मैं खुद को एग्जाम के लिए नहीं प्रिपेयर कर रही थी. तो मेरा ऐसा नहीं था कि मैं लास्ट मिनट या लास्ट आवर ऑफ द एग्जाम में सिर्फ पढ़ाई करते रहूं और फिर जो भी है वो मैं पूरा एग्जाम में वॉमिट कर दूं. मुझे मेरा बेसिक्स क्लियर करना था, जो मैंने
एग्जाम से 2-3 दिन पहले ही कवर अप कर लिया था। लास्ट के 2-3 दिन में क्वेश्चंस रिजॉल्व कर रही थी। एग्जाम से एक दिन पहले शाम से मैंने मेरी पढ़ाई एकदम स्टॉप कर दी, बिकॉज मुझे मेरे माइंड को रिलैक्स करवाना था। 29th 30 को एग्जाम था, तो 29th की मॉर्निंग से आपने पढ़ाई बंद कर दी। 29 की शाम से मैंने पढ़ाई अपनी बंद कर दी। सो बेसिकली एक रात आपने पूरा पीस ऑफ माइंड से सोया। मैं एकदम पीस ऑफ माइंड से सोई थी, बिकॉज मैं एग्जाम से 3-4 दिन पहले से थोड़ा सा मेरा स्लीप डिस्टर्ब था। अच्छा स्लीप डिस्टर्ब था बिकॉज मैं ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश कर रही थी। मैं सोच रही थी कि मैं ये पोर्शन भी कंप्लीट कर लूँ, मैं ये एग्जाम्स भी देने का ट्राई कर लूँ, सो दैट मेरे बेसिक्स क्लियर हो जाए। फिर जब मुझे एक टाइम लगा, जब मुझे फिर आपका गाइडेंस याद आया, शैलेंद्र का गाइडेंस याद आया कि नहीं, आप एग्जाम से एक दिन पहले खुद को स्टॉप कर लो, अपने माइंड को रिलैक्स होने दो, एंड इट रियली हेल्प मी टू गेन कॉन्फिडेंस वाइल एक्चुअली सिटिंग फॉर द पेपर। तो मेरा दिमाग पूरा रिलैक्स्ड हो चुका था जब मैं एग्जाम में के लिए गई तब। दोस्तों मैं आपको भी एक बात बताऊं, बेसिकली ये जो भी सजेशन मैंने दिया है वो मैंने खुद अपने पे भी अप्लाई किया था जब मैंने CISM और बाकी सर्टिफिकेट निकाले थे। CCB मैं पास कर चुका हूँ। सो उसमें बेसिकली होता है क्या है, आप लोग पढ़ते पढ़ते इतना सैचुरेट हो जाते हैं कि आपको एक कहीं ना कहीं अपने को रिलैक्स करना पड़ता है, अदरवाइज आप उसी थकान में आप एग्ज़ाम बैठेंगे तो वहाँ पे आपका रिस्पांस उतना अच्छा नहीं आ पाएगा। सो बेटर है कि 24 आवर्स पहले एग्ज़ाम के आप अपने को रिलैक्स करिए। ठीक है, मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि जब आप एग्ज़ाम में बैठे थे उस टाइम पे आपको कैसा फील हो रहा था? मैं मतलब जो क्वेश्चंस आ रहे थे, आर यू फाइंडिंग यू क्वेश्चन इजी थे, टफ थे? और एग्ज़ाम टाइम में कभी ऐसा फील हुआ कि एग्ज़ाम ये नहीं पास हो पाएंगे, ऐसा कुछ फीलिंग आया कभी? ऐसा मुझे फीलिंग आई थी स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस में। ओके मेरे लिए एग्जाम मॉडरेट लेवल पे था, बिकॉज एज आई सेड कि मुझे तैयारी करनी थी बेसिक्स क्लियर करने के लिए, एग्जाम के लिए नहीं। तो मेरे लिए एग्जाम मॉडरेट लेवल पे था। स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस में मेरे लिए मल्टीपल चॉइसेस कंफ्यूजन थे। आई वॉज वेरी मच कंफ्यूज कि मुझे बी सिलेक्ट करना है कि डी सिलेक्ट करना है, बिकॉज आंसर मुझे दोनों ही सही लग रहे थे। बट वो टाइम पे मैंने पॉज लिया, कॉन्सेप्ट दिमाग में वापस से सारे चलाए, और मेरा बेस्ट आंसर मुझे जो लगा मैंने वो चूज किया। बट उस केस में मैं घबराई नहीं बिल्कुल, बिकॉज अगर मैं स्टार्टिंग के 10 questions में ही घबरा जाती तो आगे और 90 questions थे सॉल्व करने के लिए, और मुझे वहाँ पर इम्पैक्ट नहीं बताना था। सो आई केप्ट ट्रस्ट इन मी कि ये जो मैं चूज कर रही हूँ ये राइट है। यस हाँ दोस्तों, ऐसा बहुत बार होता है कि शुरू के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें अगर एक भी गड़बड़ हो जाता है, अगर हम लोग को फीलिंग आती है कि शायद ये गलत हो रहा है, तो हम लोग कॉन्फिडेंस अपना लूज करना शुरू कर देते हैं और उसका इम्पैक्ट आगे आने वाले क्वेश्चन पे पड़ जाता है। तो कभी भी अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करिए। अगर आपको पता भी चल रहा है कि क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो भी आप ये सोचिए अगला क्वेश्चन मैं 100% सही करने का ट्राई करूँगा। सो इसके बाद आपने एग्ज़ाम दिया और फिर एग्ज़ाम होने के बाद आपको इमीडिएटली पता चल गया कि आप पास हो गए, राइट? मुझे एग्जाम के बाद ही। सो फिर उसके बाद क्या, थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करिए एग्जाम होने के बाद, फिर आपने क्या किया? एग्जाम से पहले मैं इतनी ज्यादा डिस्टर्ब्ड नहीं थी एग्जाम को लेकर, बट एग्जाम के बाद जो रिलैक्सेशन मिली है माइंड को, उससे एक्चुअली मुझे फील हुआ कि हाँ मैंने बहुत अच्छी चीजें क्रैक की और जो भी मैंने मेहनत की थी वो सब वर्थ हुआ। ओके दैट्स नाइस। सो अभी व्हाट नेक्स्ट, अगला आपका टारगेट क्या है, कौन से एग्जाम क्लियर करने जा रहे हैं या तैयारी शुरू करने जा रहे हैं? एज पर योर गाइडेंस मिस्टर शैलेंद्र, अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं CISM जल्दी से स्टार्ट कर दूँ। नाउ आई विल बी गोइंग फॉर द CISM। ओके परफेक्ट। सो आपको मैंने पहले भी कांग्रेचुलेट किया है, एक बार मैं फिर से कांग्रेचुलेट करता हूँ फॉर पासिंग CC एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम CISM। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर योर गाइडेंस, इट रियली हेल्प्ड मी। ओके दोस्तों, सो ये हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे मिस जरमीन शेख के साथ। इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया आपके साथ कि कैसे इन्होंने CC की तैयारी शुरू करी। आपके पास भी अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई डाउट है, तो जैसे मैंने बताया कि वो मेरे ऑफिस की कलीग ही हैं, सो आई कैन डेफिनेटली आस्क फॉर यू कि अगर आप में से कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मैं आपके लिए क्वेश्चन जरूर इनसे पूछूंगा। और मैंने भी CC क्लियर किया है, सो मे बी आई कैन ऑल्सो हेल्प यू ऑन दैट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डू लेट मी नो इन केस यू हैव एनी डाउट। Thank you so much. Bye-bye. Take care.